स्पॉन्सर्ड बाय श्री नटराज ऑयल्स प्योर एडिबल ऑयल्स। कलियर पुलिस ने गिरफ्तार किए 8 हुड़दंगी, चोरी का एक आरोपी भी गिरफ्तार। आपको बता दें, कलियर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने उर्स मेले में हुड़दंग मचाने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं चोरी के मामले में एक आरोपी को भी चोरी की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मेले में अपनों से बिछड़े 67 लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया। नवभारत समाचार रुड़की से आशा रावत की रिपोर्ट। 2021 का चल रहा है, उसके संदर्भ में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ हुड़दंगी हल्ला कर रहे हैं और मेले का जो माहौल है उसको शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इस पर जो हमारे सी ओ अंडर ट्रेनी नताशा सिंह, एसओ धर्मेंद्र राठी और मेला जो प्रभारी निरीक्षक हैं देवराज शर्मा, उनकी स्विफ्ट टीम द्वारा एक प्रयास किए गए और इसमें लगातार जो कार्रवाई के अंतर्गत कल 8 लोग जो हैं वो हल्ला करते थे उनको गिरफ्तार किया गया। धारा 151(c)(RPC) के तहत कार्रवाई की गई। उसमें कुछ लोग मुजफ्फरनगर के हैं, कुछ लोग यही लोकल के रहने वाले हैं। एक दूसरे इंसिडेंट में जो प्रतापगढ़ यूपी से जो हमारे जायरीन आए थे उनके साथ एक चोरी का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उनके कुछ नकद पैसे और कुछ जरूरी कागजात जो हैं चोर द्वारा चुरा लिए गए थे। तो इस मेले के दौरान ही जो हमारी यही टीम है इसके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई इस पर, और इसमें भी जो संगरूर पंजाब का रहने वाला अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बाकी जो आपराधिक इतिहास है उसकी भी जानकारी की जा रही है और भी अन्य क्या घटनाएं इसने की है इस बात की भी जानकारी हम कर रहे हैं। साथ साथ इसमें जो मेला कंट्रोल के द्वारा हमने जो खोया पाया केंद्र हमने जो स्थापित किया था उसके माध्यम से पुलिस और बाकी पूरे प्रशासन पुलिस के संयुक्त माध्यम से जो प्रयासों से जो 67 बच्चे हैं उनको पेरेंट्स से मिलाया गया। इसमें जो 20 तारीख जो हमारी रहती है जो बड़ी रोशनी है उस दिन सबसे ज़्यादा 32 बच्चों को इनके परिजनों से मिलाया गया। तो ये टीम ने बहुत एक अच्छा काम किया है जो बच्चों को